नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। खबर गजरौला से है, जहां 6 जनवरी को कैलाश सिंह पुत्र घासीराम निवासी काका ठेर गजरौला जिला अमरोहा ने थाने पर सूचना दी थी कि उसका ममेरा भाई अमर सिंह उसके घर पर रहकर एक क्लिनिक चलाता था, जो 31 दिसंबर 2019 को एग्जाम देने हापुड़ गया और लौट कर वापस नहीं आया, जिसकी सूचना पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी। 8 जनवरी को पुलिस ने अमर का शव जंगल ग्राम डाकेवाली थाना हसनपुर में बरामद किया, जिस पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने जांच में पाया कि अमर सिंह की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई, जिसका खुलासा आज पुलिस ने किया। पुलिस ने खुलासे में बताया कि अमर सिंह का प्रेम प्रसंग नाना खड़क वंशी की पत्नी पूनम निवासी ग्राम सकरौली मिलक थाना हसनपुर जिला अमरोहा के साथ था, जिसकी जानकारी पूनम के पति को चल गई तो उसने पत्नी के साथ मिलकर अमर सिंह को अपने घर सकरौली मिलक बुलाया, जहां दोनों ने मिलकर गला दबाकर अमर सिंह की हत्या कर दी। इसके बाद शव को पत्नी की मदद से मोटरसाइकिल पर रखकर ग्राम डाके वाली डगरौली के जंगल में फेंक दिया, जिसे आज क्षेत्राधिकारी धनोरा श्रीमती मोनिका यादव द्वारा अभियुक्त और शव को छुपाने में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल को बरामद कर गिरफ्तार कर लिया गया। थाना हसनपुर में 8 तारीख को एक युवक की शव मिला था, जिसको कि पुलिस ने लेकर पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम में उसकी दम से मौत आई, जिस पर कि पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया। इसका खुलासा करते हुए आज पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा है, नानक नामक यह व्यक्ति जो है यह पकड़ा गया है, और इसने कबूल किया है कि इसने जो व्यक्ति अमर सिंह है जिसका शव मिला था उसकी हत्या की है। कारण यह समझ में आया है, जो CDR और पूछताछ में सामने आया है कि जो मृतक है उसका अभियुक्त की पत्नी से संबंध हो गए थे और इनकी अक्सर फ़ोन पर बातचीत होती थी। जो अभियुक्त है उसने अपने ID पर एक फ़ोन खरीदकर सिम खरीदकर जो अभियुक्त है उसकी पत्नी को दिया था मृतक ने, और उसी पर उनकी बातचीत होती थी। यह चीज़ जब अभियुक्त के संज्ञान में आई तो उसने अपनी पत्नी को दबाव में लिया और दोनों ने मिलकर इस मृतक को बुलाया अपने घर पे और वहाँ हत्या कर इसका शव जंगल में फेंका। ठीक है, इसमें सर क्या क्या बरामद हुआ और किसे गिरफ्तार किया गया? जी, इसमें जो हत्या में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल है वो बरामद हुई है, और एक अभियुक्त पकड़ा गया है। जो अभियुक्त की पत्नी है वो फिलहाल फरार है, उसकी पुलिस को तलाश है, शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जाए। प्राइम न्यूज 24 के लिए गजरौला से प्रदीप कुमार की खास रिपोर्ट।